फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आर्डर कर देते हैं और आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करने का प्रोसेस नहीं पता है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से बात कर सकेंगे। जैसे छुटकी में, जैसे फिर आप अपने जो था फ़ोन में जो था फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, तो जैसे फिर आप अपने जो था गूगल से आप डायरेक्ट सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर, तो जैसे गूगल से कस्टमर केयर का सर्च कर देते हैं लेकिन वो नंबर नॉट रिचेबल बताता है या नंबर नहीं लगता है, और इस तरह से फ्रेंड परेशान है और आप अपने फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से नहीं लग पा रहे बात कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप अपने फ़ोन से एप्लीकेशन से डायरेक्ट आपको कस्टमर केयर के स्वयं आपके जो था फ़ोन करेंगे, न कि आप फ़ोन करेंगे, आपको एक सेटिंग अप्लाई करके आप कंप्लेंट कर देंगे। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखते हैं यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं, और आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस न्यू आया है, आप अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। जैसे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से आप फ्लिपकार्ट लिखेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट लिखेंगे उसके ऊपर फिर यहाँ से अपडेट आया होगा तो यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। जैसे देखते हैं फिर हमारा अपडेट हो चुका है, तो इस तरह से अपडेट कर लीजिएगा, उसके पर से ओपन करिएगा। जैसे ही ओपन कर देंगे तो यहां से आपको फ्लिपकार्ट के कंप्लेन करने के बाद आपको डायरेक्ट आपके जो था फ्लिपकार्ट के कस्टमर आपके नंबर पर कॉल करें जिस नंबर से चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको देखते हैं अकाउंट का ऑप्शन है, जैसे अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके पर फिर यहां से देखते हैं आपको शो करेगा ऑर्डर्स का, जो ऑर्डर पर क्लिक किए होंगे, जैसे जो ऑर्डर किए होंगे उस पर आपको क्लिक करना है, और इसमें जैसे कोई भी सामान ऑर्डर नहीं किए होंगे उस पर आप जैसे जितने भी आपको ऑर्डर कर देते हैं इसमें कोई भी जैसे किसी भी ऑर्डर पर आप कंप्लेन करेंगे तो आपको कोई भी समस्या रहता है उसको पूछ सकते हैं, उस पर क्लिक जैसे देखते हैं यहाँ से हम फ्लिपकार्ट में एक ऑर्डर किए थे जिसने देखते हैं ब्लूटूथ का रियलमी का है, तो इसमें हम ऑर्डर किए थे, तो इसमें हम कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, देखते हैं चैट आस का ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं इस तरह से आ जाएंगे, आने के बाद फिर यहाँ से हम कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको शो करेगा, शो करने के बाद फिर यहाँ से आपको लिख देना है कस्टमर केयर, जैसे ही लिख देंगे यहाँ से कस्टमर केयर लिखेंगे उसके ऊपर फिर यहाँ से सेंड कर देना, जैसे सेंड कर देंगे उसके ऊपर फिर यहाँ से देखते हैं ऑप्शन में शो करेगा चैटिंग से बात करना चाहते हैं कि आपके कस्टमर केयर आपके नंबर पर कॉल करें, यहाँ से आपको इस तरह से दे देगा, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारे जो था कस्टमर केयर हमारे नंबर पर कॉल करें, तो यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछ ला कि आपके कस्टमर केयर बात करना चाहते हैं आपके नंबर पर तो किस भाषा में बात करेंगे, तो जैसे देखते हैं हिंदी, इंग्लिश, कन्नडा, तेलुगु, बंगाली, जिस किस भाषा में बात करना चाहते हैं हम इंग्लिश सेलेक्ट कर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी सेलेक्ट करने के बाद हम किस नंबर से आप हमारे नंबर पर कॉल आएगा तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, जैसे देखिए आपको क्लिक कर देना है, उसके ऊपर से आपको होम पे आएगा, उसके ऊपर से तुरंत आपके कस्टमर केयर से बात होने लगेगी, तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा कस्टमर केयर से भी कार्ड लग जाएगा, तुरंत हमारे नंबर पर बात आ जाएगी, जो देख सकते हैं यहाँ से कस्टमर केयर का नंबर आ चुका है। और आप जल्द ही हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात कर पाएंगे। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम फैजान है, फ्लिपकार्ट से बात कर रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बात किन से हो रही है? जी सर, मेरा नाम अजय कुमार है। जी सर, नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद, बताइए मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ। सर, जैसे फ्लिपकार्ट में लॉक टोकन का ऑप्शन दिया है 999, तो जैसे मैं पे कर दूंगा तो उसका पैसा का रिफंड होगा कि नहीं? तो आपको सर दिखाया दिया जाएगा कि कितनी पेमेंट करके आपको ये प्रोडक्ट बाय करना होगा। सर, अगर आपने फुल पेमेंट कर दी जितने भी दिखाई थी उस टाइम, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर करा दिया जाएगा। सर, अगर आपने 999 के बाद कैंसिल करा दिया खुद के एंड से, तो आपको सर रिफंड नहीं होगा कुछ भी, और अगर सेलर के एंड से कैंसिल हो गया तो सर आपको पेमेंट रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, फ्लिपकार्ट के तो फ्रेंड हम कम्प्लीटली अपना बात कर चुके हैं, और इस तरह से फ्रेंड आप अपने जो था फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं स्वयं आपके नंबर पर कॉल करेंगे, इस तरह से ट्रिक अप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।